हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्ल्ड। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन अबटेन सिक्स बैंड श्योरली इन आइल्स रीडिंग। सो आइल्स रीडिंग में सिक्स बैंड लेने के लिए क्या करना होगा आपको? तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टक एट फाइव बैंड, जिनके फाइव बैंड आ रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, एंड दे आर रियली वेरी वरीड, दे आर वेरी अपसेट। दो स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी अपीयर टू थ्री टाइम्स, दो से तीन बार अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो एंड द बैंड स्कोर इज स्टिल 5 or 5.5, इससे ऊपर नहीं जा रहा, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्पेशली फॉर यू। और जो स्टूडेंट्स दोज हु वांट 7 or 8 बैंड, दिस वीडियो इज नॉट सुटेबल टू देम, सो दे आर नॉट एडवाइज टू वॉच द वीडियो। दोज हु वांट 7 to 8 बैंड्स, उनके लिए अलग से वीडियो बनेगी। दिस वीडियो इज पर्टिकुलर फॉर दोज हु वांट टू गेट 6 बैंड। और इस वीडियो में मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करके द वे यू कैन ट्राई एंड यू कैन गेट कंफर्टेबली 6 बैंड। So first of all, you need to understand a little bit math work. We have 40 questions in reading. If you make 17 wrong, still you can manage to get 23, which is your target score for 6 band. I am talking about academic students only. Okay, for general student at 23 they will get 5 band. But in this video, I'm taking example and my strategies particularly for academic ones. So 17 aap wrong kar bhi dein, still you are able to get 23 aur aapke 6 band aa jayenge. Video ko end tak jarur dekhiye, watch this video carefully, because tab hi aapko jaake pura pata chalega ki aapko kin questions pe aapko risk lena hai. मीन्स किसको और किन क्वेश्चंस को आपको सीरियसली अटेंशन देके करना है। ओके, सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस विद यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड पे अटेंशन एंड विच सेक्शंस और पैसेजेस यू शुड पे मोर अटेंशन ऑन। तो इसके बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पे मैंने एक बुक ली है, कैम्ब्रिज 14, आयल्स अकेडमिक 14, ये बहुत बढ़िया बुक है प्रैक्टिस के लिए। और इसमें चार टेस्ट हैं, और चार टेस्टों में मैंने देखा कि तीन टेस्ट ऐसे थे जिनका फर्स्ट पैसेज क्वेश्चंस तो थे दैट वर रिलेटेड टू ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू गेट 23 करेक्ट, श्योर 23 करेक्ट, you should first of all pay enough attention on first passage. First passage ही एक ऐसा passage होता है that is easiest. ये passage ऐसा है जो सबसे आसान होता है, और ये passage आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, that should be in your grip of understanding. अगर आपको first passage की आदत लग जाती है और उसको आप सही से कर लेते हैं, 13 में से आप 11 या 12 ठीक कर लेते हैं, तो आपके 23 लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट कि फर्स्ट पैसेज कैसा होता है। देखिए, ये फर्स्ट पैसेज में यू आर गिवन ब्लैंक्स, और ये ब्लैंक्स करनी बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, फोकस्ड ऑन ए टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ एंट्स एनालाइजिंग। सो फोकस्ड ऑन ए टोटल ऑफ, सो वर्ड फोकस्ड ऑन, आपने ये वर्ड ढूंढना है पैसेज में से। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कहां पे वो गलती कर देते हैं, वो शुरू से इसको लाइन वाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे फिडोल डिंटेटा ए नेटिव एंड ऑफ ब्ला 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 ब्ला, बाय वर्ड दे रीड। और ऐसा करने से आपके टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो यू विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। आपने करना क्या, आपने फोकस्ड या फोकस से रिलेटेड जो भी कोई सिनोनिम होगा, कॉन्सेंट्रेट और पे अटेंशन, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे या फोकस्ड, इसको ही ढूंढना है आपने।
आप फोकस या उससे रिलेटेड वर्ड को ढूंढते जाएं और इसमें आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी प्रैक्टिस करने के बाद। तो ऐसे ऐसे आप उसको स्कैन करते जाएं कि वो वर्ड कहाँ पे है, फोकस्ड या पेइंग अटेंशन, सच काइंड ऑफ वर्ड, और फोकसिंग ऑन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। तो करते करते आप जाए जाए कि तो आपको ये वर्ड यहाँ पे मिलता है, फोकस्ड ऑन। तो ये इतना आसान तरीका है ब्लैंक्स को ढूंढने का, और मोस्टली फर्स्ट पैसेज में ब्लैंक्स ही होती हैं। आजकल जितने भी आइल्स के रीडिंग के टेस्ट आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पैसेज कंटेनिंग ब्लैंक्स, और हमने देखा फोकस्ड, तो गिराल्डो फोकस्ड ऑन एंट्स एट फोर एज रेंजेस। कितनी एज रेंजेस? फोर एज रेंजेस, फर्स्ट एज रेंज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे टोटल फोर रेंजेस ऑफ एज बताई गई हैं, और उस पर फोकस करने के लिए। तो हमारा जो कीवर्ड था फोकस्ड, फोकस्ड ऑन टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज ग्रुप्स मीन्स रेंजेस हियर। तो कितनी रेंजेस थी वहाँ पे? फोर थी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा फोर, आप यहाँ पे फोर फिल कर देंगे, राइट? तो ये कितना आसान है। इसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ ज़्यादा इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू लर्न वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, और आपकी इंग्लिश का बहुत हाई स्टैंडर्ड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आपके लिए क्या कैपेबिलिटी चाहिए यहाँ पे कि आपने एक की वर्ड पकड़ना है। यहाँ पे फोकस्ड था, इधर एज ग्रुप्स दिए थे, एंड्स है, तो एज ग्रुप्स का रेंजेस हो गया डिफरेंट एज ग्रुप्स मीन्स डिफरेंट रेंजेस। अगर आपने ये की वर्ड पकड़ लिए एंड यू आर एबल टू फाइंड दैट की वर्ड्स इन द पैसेज फोकस्ड ऑन एज रेंजेस, तो आपका आंसर आपकी मुट्ठी में है। यू कैन इजिली फाइंड दैट आंसर। अगर एक आंसर आपको मिल जाता है ब्लैंक्स का, तो उसके बाद आगे आपके सारे आंसर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि यहाँ पे इन आंसर्स को ढूंढने के लिए कोई ज़्यादा इंग्लिश का लेवल नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वेल एंट्स लुक्ड आफ्टर देयर डैश। तो इसको तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं, लुकिंग आफ्टर मीन देखभाल करना। तो एंट्स किन की देखभाल करेंगी? ऑब्वियसली अपने बच्चों की करेंगी। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमें गेस नहीं करना, हमें यहाँ के ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका जो की वर्ड है लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, टेकिंग केयर। तो इसका सिनोनिम क्या है? टेकिंग केयर। तो हम यहाँ तो लुक्ड आफ्टर मिलेगा या हमें टेकिंग केयर ऐसा कुछ वर्ड मिलना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि एक बार क्वेश्चन मिलने शुरू जाते हैं तो फिर वो आगे मिलते ही जाते हैं। अनलाइक ऑल प्रीवियस स्टडीज विच ओल्ड आंट्स वर्क ट्रैक्ड एंड, हम ये वर्ड्स को पढ़ नहीं रहे, माइंड में बस देखते जा रहे हैं। ओके, ग्रेल्डो वॉच्ड हाउ वेल आंट्स टुक केयर। तो मिल गया हमें टुक केयर, टुक केयर ऑफ द यंग। यंग क्या होते हैं? बेबीज, बच्चे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, हाउ वेल एंट्स लुक्ड आफ्टर देयर यंग, क्लियर। उसके बाद देखिए, देयर एबिलिटी टू लोकेट, लोकेट मीनिंग क्या होता है? फाइंड आउट, और फाइंडिंग द लोकेशन यूजिंग ए सेंट ट्रेल। तो लोकेट का फाइंड आउट देखते हैं आगे कैसे होता है। शी कंपेयर्ड वेल 20 ईयर 90 ईयर ओल्ड एंट्स फॉलोड द टेल टेल सेंट। टेल टेल सेंट मिल गया, द इंसेक्ट यूजली लीव टू मार्क द ट्रेल फॉर फूड, लीव टू मार्क ए ट्रेल टू फूड। तो ट्रेल मीन्स पाथ, जिस पाथ पे वो चलते हैं, किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड फूड। तो यहाँ पे फॉलोड ए टेल टेल सेंट, इंसेक्ट यूजली लीव टू मार्क ए ट्रेल टू फूड, शी टेस्टेड हाउ एंड रिस्पॉन्डेड। ठीक है, हमें फूड मिल गया, यहाँ पे यही बनता है, देयर एबिलिटी टू लोकेट फूड यूजिंग ए सेंट ट्रेल। सेंट ट्रेल वहाँ पे दिया हुआ था, हमने उनके आसपास देखा, लोकेट मीन फाइंड आउट होता है, लोकेट वहाँ पे नहीं दिया, पर वहाँ पे हमें सेंट ट्रेल मिल जाता है। इसका यूज़ करके वो क्या करते हैं, लेकिन फाइंड, वहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड था, दैट वाज फूड। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा, अब आगे की एग्जाम्पल मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको जो सारा टेस्ट सॉल्व करके बताऊं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कि आप कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो बात आई कि कौन से क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, तो सबसे पहले तो आपने जो पैसेज वन है, हर एक रीडिंग टेस्ट का जो पैसेज वन होता है,
उसको आप 20 20 से 25 मिनट्स में करें। और कोशिश, मैं अब ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं रियल एग्जाम की बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिस में आप 20 से 25 मिनट्स दीजिए, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इसमें से ज़्यादा ठीक करूँ, क्योंकि दिस इज़ द ईजिएस्ट वन। और अगर आप 13 में से इसमें से आप 10 या 11 ठीक कर लेते हैं, जब तक आपका ये स्कोर आना शुरू नहीं हो जाता, आपने पैसेज 2 पे नहीं जाना और ना ही पैसेज 3 पे जाना है। आपने एक दिन पैसेज 1 किया, एक टेस्ट का आपने सपोज टेस्ट 1 किया और आपने पैसेज 1 करना है, आपका स्कोर 6 से 7 आया, ठीक है, यू शुड नॉट मूव टू नेक्स्ट। अब आपने इसी टेस्ट को फिर से करना है, और जहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई या जो आपको कैच नहीं कर पाए या जो आपने रॉन्ग किए, उनको अब दोबारा से कीजिए और अपने स्कोर को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए, 10 से 11 12 तक। आपका ये 11 12 हो गया सपोज, तो आपने फिर टेस्ट 2 लेना है, कैम्ब्रिज की बुक का टेस्ट 2 लीजिए, फिर से उसका पैसेज 1 ही करना है। अगेन द सेम मेथड आपने उसको ट्राई करना है। आपका स्कोर अगर 6 7 रहता है तो फिर उसको फिर से दोबारा कीजिए, और आप अपना स्कोर जो है 10 से 11 खींच के ले जाना है। और नेक्स्ट डे अगेन ऐसे ही, नेक्स्ट डे अगेन ऐसे ही। तो आपने क्या किया कि आपने 4 टेस्ट तो कर लिए, पर किया पैसेज 1 ही। अगर आपका स्कोर 7 8 तक ही आ रहा है, तो आप अभी भी अगले पैसेज पे नहीं जाएंगे, तो आप अगली बुक लीजिए कैम्ब्रिज की, 14 के बाद 15 या 13 लीजिए, एंड उसको तब तक ऐसे ही रिपीट करते रहिए जब तक आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में 11 या 10 इसके आसपास, 11 या 10 नहीं आता, तब तक आप अपने नेक्स्ट पैसेज पे नहीं जाना। जब आपका ये स्कोर, सपोज आपने 1 वीक प्रैक्टिस की, या हो सकता है कईयों को 2 वीक तक भी जाना पड़े, और 2 वीक तक आप जब करेंगे तो आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस बीच बीच में आपने क्या करना है कि साथ में थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी आपने पैसेज में से लेनी है, और उसको भी आपने साथ में अपनी वोकैब की जो है प्रेपरेशन करते रहना, वोकेबलरी लिस्ट बनानी है, राइट। तो अगले बार आपने क्या करना है, सपोज आपके 1 2 वीक के बाद ये स्कोर फिट हो गया, आप इसके पास पहुंच गए, तो अब आपका एक चीज़ तो सेफ हो गई कि आप 11 10 11 लेने शुरू हो गए, तो आपके 40 में से सपोज आई थिंक सो कि आपने 10 या 11 ठीक किए, तो रफली मैं 10 ही मान कर चलता हूँ, तो 30 अभी बचते हैं, 10 पक्के हो गए, 30 30 में से आपको कितने चाहिए, यू नीड नाउ 13 आउट ऑफ 30। तो 13 ठीक करने, आपने 30 में से माइनस करेंगे तो 17 अभी भी आप रॉन्ग्स कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। अब आपने रिस्क कौन से क्वेश्चंस पे लेना है, ये बात बहुत ही समझने वाली है। ब्लैंक्स आपने करनी ही करनी है, पढ़ के करनी है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, ये भी आपने पढ़ के करने हैं। इनको तुक्के नहीं मारना, ऐसे नहीं निकाल देना, क्योंकि इसमें अगर आप तुक्के मारते हो सपोज, तो आपके जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस खराब हो सकते हैं। अगर 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर, और आप सारे ट्रू ट्रू लगा देते हो या सारे यस यस लगा देते हो, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 2 ही यस हो, बाकी फॉल्स या नॉट गिवन हो, तो इसका मतलब आपने 5 क्वेश्चन खराब कर लिए। हो सकता है वो बहुत आसान हो, पढ़ के भी आपको मिल सकते हैं, जैसे अगर फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स तो वो मिल ही जाएंगे, तो उनको आपने गैस में नहीं करना। ये सिचुएशन हम तभी करते हैं गैस वाली जब हमारे पास टाइम नहीं बचता, वेन वी हैव नो टाइम। अगर आप रियल एग्जाम में हो, टाइम नहीं है, तो फिर तो फायदा कोई नहीं आपको इसको छोड़ने का, फिर आप सारे यस यस कर दो या ट्रू ट्रू करो, फास्ट फास्ट करो, जो भी है उसको कर दीजिए। पर आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तब नहीं करना आपने, आप हमने इस चीज को सीखना है। अब आ गया पैसेज 2, तो उसी तरीके से आपने नेक्स्ट वीक से क्या करना है कि पैसेज 2 की ही प्रैक्टिस करनी है। आप पैसेज 2, टेस्ट 1 का पैसेज 2 कीजिए, फिर टेस्ट 2 का पैसेज 2, टेस्ट 3 कैसे, 2 हफ्ते इसको ऐसे ही करें, तो आप देखना कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसमें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा पैसेज 2 में। और पैसेज 2 में कैसे क्वेश्चन होते हैं, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, या हेडिंग्स मैचिंग दी हेडिंग्स, ये दोनों तरह के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसमें आप मेंटली पीसफुल होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी जजमेंट के ऊपर है। अगर आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं है तो आप जजमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो ये क्वेश्चन आपने विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन,
एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये हमेशा पढ़ के करने और समझ के ही करने हैं। और इसको आप अगर 10 मिनट 15 मिनट लग भी जाएं तो डोंट वरी अबाउट, बिगिनिंग में आप पैसेज टू के लिए टाइम की फिक्र मत करें। आप 30 मिनट लेते हैं तो 30 मिनट्स ही लीजिए, धीरे धीरे इसमें आपका टाइम कम होने लगेगा। और इसी तरह से ट्रू फॉल्स है, ये भी पढ़ के करने हैं। और आगे जो आते हैं MCQs, ये क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ पे आपका बहुत टाइम लगता है। अगर आप रियल एग्जाम में हो तो फिर तो इसको आप, अगर टाइम नहीं बचता तो कैस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर में ही, तो फिर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शंस नहीं पढ़नी, पैसेज पे जाना है, पैसेज पे जाके उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। जो भी आपको आंसर लगता है पहली नज़र में, जो भी आपको लगता है उसको आप इसकी इसके साथ आके कंपेयर कीजिए, और जिससे आपके साथ आप ऑप्शन के साथ मिलता है उसको आप टिक कीजिए। अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो आपके हर बार में ना आंसर बदल जाएंगे। ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जो पहली नज़र में उसको चीज़ को देखता है वो उसको ज़्यादा एक्यूरेटली देखता है। बाद में हम ना डाउट्स में पड़ जाते हैं और बार बार देख देख के अपना राइट आंसर भी रॉन्ग कर लेते हैं। बहुत बार स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, सर मैंने पहले यही लगाया था, बाद में मैंने क्रॉस चेक करने के चक्कर में मैंने इसको गलत कर लिया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसको आपने जल्दी जल्दी करना है। अगर आपके ये गलत हो भी जाए तो डोंट वरी अबाउट, इसको आप गैस से कर सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट फिर से कई पैसेज में ऐसे होता है कि ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। टेस्ट 4 में जैसे पैसेज 3rd में आ गए, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स आ गई। अगर ब्लैंक्स आती हैं तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए आपका एक जैकपॉट लग गया कि लॉटरी होती है ब्लैंक्स, क्योंकि ब्लैंक्स ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ठीक ठीक होने के चांसेस होते हैं। और इसमें गैस नहीं चलता, इसमें अंडरस्टैंडिंग चलती है, और इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती। आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स पकड़ के और उनकी लोकेशन पकड़ के आंसर ढूंढना होता है, जैसे कि मैंने पहले टेस्ट में, सॉरी हाँ पहले पैसेज में बताया। तो आप कौन से क्वेश्चंस को आपने गैस करना है, सो वॉच इट हेयर केयरफुली। अगर आपका पैसेज 3rd है और उसमें MCQs हैं और आपको लग रहे हैं कि स्टेटमेंट्स काफ़ी लेंथी हैं, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, ऑप्शंस हैं, तो यू कैन गो बाई गैस, राइट। एंड ये 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, और मैं रफली ये मान कर चलता हूँ 2 से 3 ठीक हो जाते हैं। कुछ इजी भी होते हैं, कई बार में इसमें लिखा होता है कि ये इस पैसेज में, इस पैरे में है, ये अगले पैरे में है, तो जब पैरा दिया होता है तो फिर तो ढूंढना बहुत आसान होता है। आफ्टर दैट राइटर्स की नेम्स दिए होते हैं एंड देयर फाइंडिंग्स होती हैं, या रिसर्चर्स होते हैं उनकी फाइंडिंग्स के साथ हमने मैच करना होता है। तो ये आसान होते हैं, इसमें आप जल्दी कर सकते हैं, और इसको आप रिस्क में भी ले सकते हैं, क्योंकि 5-6 अगर क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आ जाते हैं तो यू कैन टेक द रिस्क। और इसमें आप गैस वर्क से भी कुछ, क्योंकि आपने पहले ब्लैंक्स की होती हैं, ट्रू फॉल्स की होती है, पहले आइडिया मिल जाता है, या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की होती है और आइडिया मिल जाता है किसने क्या कहा था। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। तो मैं रफली ये मान कर चलता हूँ कि अगर आप पैसेज 1 की मेरे एडवाइस किए तरीके के अकॉर्डिंग करते हो और 11 ठीक कर लेते हो, पैसेज 2 में से आप 5 ठीक कर लेते हो, सॉरी 5 नहीं, आपको कम से कम 7 ठीक करने पड़ेंगे, आप 7 ठीक करते हो, और पैसेज 3 में आपको कुछ रिस्क लेके और ब्लैंक्स वगैरह हैं, तो आपके 6 ठीक हो जाने चाहिए पैसेज 3 में, हो सकते हैं 13 में से 6 ठीक करने, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये मैं कम से कम ले रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार जब पैसेज 3 की ही प्रैक्टिस करते हैं कुछ वीक, ये मैंने आपको ये बात बतानी भूल गया कि आपने जब पैसेज 2 की प्रैक्टिस कर ली तो आपने फिर पैसेज 3 पे आ जाना है। पैसेज 3 को आपने, सॉरी, ऐसे ही 2 वीक्स की प्रैक्टिस करनी है, डिपेंड करता है आपके लेवल पे, कईयों को 2 वीक लगते हैं, कईयों को 1 वीक ही लगता है। और जब आप पैसेज 3 पे परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, तो आप देख लेना कि आप दोबारा जब आप पैसेज 1 पे आएंगे तो वो तो आप 10 मिनट में कर लेंगे, दैट यू कैन डू इन 10 मिनट्स, बिकॉज आपका लेवल ही अब इतना बढ़ चुका है कि आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हार्ड लैंग्वेज को समझने के कैपेबल हो जाते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था, पैसेज 1 में आप 11, पैसेज 2 में 7, पैसेज 3 में श्योरली आप 6 तक पहुंच जाते हैं, तो आपका टोटल स्कोर बन जाता है 24, और आपको चाहिए 23, तो आप 1+ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ 1+ ही होता है, कई बार स्टूडेंट्स तो 23 की बजाय 30 तक भी पहुंच जाते हैं इस तरीके से प्रैक्टिस करने से, क्योंकि आपने पहले अपने सेफ जोन किया, आपने कि अपने पैसेज 1 को अपना सेफ्टी जोन बनाया,
और उसमें आपने 11-12 ठीक करने शुरू किए, फिर आप सेकंड पे जाते हो, फिर आप थर्ड पे जाते हो, यही एक सही फार्मूला होता है। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस आइल्स रीडिंग। आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा, आप 5 साढ़े 5 से ऊपर निकले, 6.5 तक पहुंच जाओगे आप अगर इस फार्मूला को फॉलो करते हो। तो आई होप दैट कि आपको ये बात अच्छी लगेगी और आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। आप जब वहाँ तक आपने इतनी प्रैक्टिस की है, कुछ दिन इस तरीके से भी करके देखें, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं या जो भी रिजल्ट मिलते हैं, तो यू शुड इन्फॉर्म मी। आप मुझे रिस्पॉन्ड बैक कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कैसा लगा और आपके रिजल्ट कैसे आए, आपका स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप दैट आप इसमें से काफ़ी लर्न करेंगे।